सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी एग्रीकल्चर कृषि कट ऑफ 2022 के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे 2021 में कितना कट ऑफ रहा था और पेपर का लेवल कैसा रहा था, कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, और साथ ही साथ बात करेंगे 2022 में क्या कट ऑफ रहने वाला है और कौन सी किताबें पढ़ें, क्या रणनीति होनी चाहिए जिससे आपका चयन हो सके। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि 2021 के बारे में पहले बता देते हैं कि 2021 में कुल सीटें आई थी 185, ठीक है, 185 सीटें आई थी। इसमें बालक वर्ग की 184 सीटें थी और बालिका की एक सीट आई थी, ठीक है। अब चलिए आगे और बता देते हैं कि कट ऑफ क्या गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बालक वर्ग यानी कि जिसका जनरल और यूआर में 388 नंबर आया था, यानी कि उस जनरल में यानी कि जिसने 97 क्वेश्चन सही किया था, यानी कि टोटल जो होता है नंबर 500 नंबर का टीजीटी होता है, ठीक है, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 4 नंबर का होता है। टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और टोटल पूर्णांक जो होता है 500 का टोटल होता है। और 500 में से जिसका जनरल में 388 नंबर आया था यानी कि जिसके 97 क्वेश्चन सही थे उसका चयन हुआ है, ठीक है। ओबीसी की बात कर लेते हैं। ओबीसी में जिस बंदे के 368 नंबर आए हैं 500 में से, यानी कि जिन्होंने 92 क्वेश्चन सही किया है उनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। और ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं, जिसका 364 नंबर आया है यानी कि 91 क्वेश्चन जिसने सही किया है, ठीक है, उसका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। एससी की बात कर लेते हैं। एससी में 352 नंबर जिसने लाया यानी कि 88 क्वेश्चन जिन्होंने सही किया उसका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। एसटी की बात कर लेते हैं। एसटी में 244 नंबर जिन्होंने लेके आया यानी कि 61 क्वेश्चन जिसने सही किया, ठीक है, उसका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। ये तो हो गया बालक वर्ग की। बालिका की एक सीट आई थी, उसमें उसकी कट ऑफ गई थी 413 नंबर, ठीक है, 413 नंबर 500 में से जिसने लेके आया यानी कि 104 क्वेश्चन जिसका सही था उसका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ, ठीक है। चलिए अब आगे बताते हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं कितने फॉर्म 2021 में अप्लाई किए गए थे टीजीटी में। तो उस समय आवेदन का संख्या बता दे रहे हैं 6260, ठीक है, 6260 फॉर्म यहाँ पर अप्लाई किए गए थे, ठीक है, ज़्यादा नहीं थे कुछ, ठीक है, 6260 फॉर्म अप्लाई हुए थे। और इस बार 2022 के बारे में बता रहे हैं कितनी कट ऑफ जाने की आशंका है। इस बार जो वैकेंसी निकली है 2022 में कुल सीटें हैं 77, ठीक है, सॉरी 67 सीटें हैं। कुल सीटों की संख्या कितनी है? 67 है। और यहाँ पर जनरल की आशंका बताई जा रही है कि जिसके क्वेश्चन 110 क्वेश्चन जिसके सही होंगे 110 से अधिक उसका सिलेक्शन जनरल में होने का संभावना है, ठीक है। ओबीसी की बात कर लेते हैं। ओबीसी में जिन बंदे का 105 क्वेश्चन सही होंगे या 105 से ऊपर जितने क्वेश्चन सही होंगे उसका चयन ओबीसी वर्ग में होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहेगी। ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं तो 105 कट ऑफ जाने वाली है। 105 क्वेश्चन जिसके सही होंगे ईडब्ल्यूएस में उसका यहाँ पर चयन होने की आशंका जताई जा रही है, ठीक है। एससी में जिसके 100 क्वेश्चन प्लस रहेंगे सही उसके यहाँ पर होने की संभावना है, ठीक है। और एसटी की बात कर लें, 100 क्वेश्चन जिसके सही होंगे एसटी वर्ग में उसके यहाँ पर चयन होने की संभावना है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, टोटल पूर्णांक 500 नंबर का होता है, ठीक है। तो आप 110 से प्लस क्वेश्चन करके आइए इसमें टीजीटी में तो आपका कन्फर्म होने की संभावना है। 125 क्वेश्चन रहते हैं टोटल, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी कैसी रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार की बुक आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है, आज तक जितने भी पेपर हुए हैं टीजीटी के उनको आप पहले सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर जितने हैं 2 बार 3 बार 4 बार लगा कर देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या लेवल रहता है,
ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा कहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार का आता है। तो प्रीवियस ईयर को सबसे पहले हल करेंगे, उसके बाद 11 और 12 यानी कि 11 और 12 की जो एनसीईआरटी बुक है कृषि वाली उसको आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद किताबें कम पढ़ेंगे और अभ्यास ज़्यादा करेंगे, इस पर ध्यान देंगे कि किताबें हमको कम पढ़ना है और अभ्यास ज़्यादा करना है। अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो हमारे चैनल पर आइए, एग्री कोचिंग बाय विकास सर, ये चैनल का नाम है यूट्यूब पर, इस पर आप जाएंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई, प्लेलिस्ट में टीजीटी पीजीटी के नाम पर बनी हुई है, वहाँ पर सभी वीडियो पड़े हुए हैं, प्रीवियस ईयर सब लगाए हुए हैं, सब आप उसको अभ्यास भी कर सकते हैं, वहाँ से अभ्यास भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी के कराए हैं, तो वहाँ से वीडियो को पढ़ के आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बुक के बारे में बता दे रहे हैं कौन कौन सी आप बुक ले सकते हैं जो टीजीटी पीजीटी के अच्छी मानी जाती हैं, जैसे आप एनआर सुंडा की ले सकते हैं, ये भी काफ़ी फेमस और इम्पोर्टेंट बुक है, इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और उसके अलावा एसआर कांतवा की बुक ले सकते हैं, अरुण कत्यान की बुक ले सकते हैं, ठीक है। और एक आती है टीजीटी पीजीटी के लिए बनाई गई है एग्रीकल्चर एट ए ग्लांस, ठीक है, इसमें से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग है बुक। इन चारों बुक में से आप कोई भी परचेस कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब बुक पढ़िए, दो बुक पढ़िए लेकिन उसको कंप्लीट पूरा पढ़िए, ठीक है, अच्छे से पढ़िए और रिविज़न बार बार करिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सभी लोगों को धन्यवाद।